यस तो आज हमें बाल पोष और ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर के बारे में हमारे जो स्मार्ट स्टार हैं वो हमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले प्राची और मयंक हमें बताएंगे, तो प्लीज। तो मैं सबसे पहले बता रही हूँ ब्रेन बूस्टर के बारे में। ब्रेन बूस्टर जो है वो प्योर मैंगो जूस है, तो वो मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। मैं एक्चुअल में इसका मेरे बहुत सारा मेरे को फायदा मिला। ये एक है जो मैं यूज कर रही हूँ, मतलब ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो और एक न्यू पैकेट है जो पापा ने मंगवा लिया। अगर किसी दिन अगर बाई चांस अगर खत्म हो जाए तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग को मिलता है एक मेजरिंग कैप। इसमें हम लोग को 5 ml फॉर चिल्ड्रेन एंड 10 ml फॉर एडल्ट। एडल्ट यानी कि 13 या 14 एज के बाद। ओके, तो इसका यही इंस्ट्रक्शन दिया है। और इसमें बताया गया है कि एक बार हम लोग को सुबह में लेना है ब्रश करने से पहले, इस एक बार। और दूसरा बार हम लोग को लेना है मतलब रात में खाना खाने से पहले। और इसका मेरे को क्या मतलब बेनिफिट्स हुआ है वो अब मैं बता रही हूँ। मेरे को एक पहले जो मेरा जो मार्क्स था वो एवरेज था, मैं मतलब ओके ओके पढ़ाई करती थी। लेकिन अभी जब से ब्रेन बूस्टर आया है तब से मेरा ब्रेन एकदम पूरा डेवलप हो गया है। अब मेरा पहले साइंस में मैं 4th क्लास में मेरा मार्क्स आया था 74। वो मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं था, ज्यादा बुरा भी नहीं था। और अभी मैं जब मेरा कुछ दिन पहले मेरा साइंस का मार्क्स आया तो वह मेरा 100 में से 96%। मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को कि इतना दिन से मैं जब जो मैं ब्रेन बूस्टर और हेल्थ बूस्टर जो मैं यूज कर रही हूँ उसका मेरे को उस दिन पूरा फायदा दिख रहा था। तो ये मतलब इसको पीने का बहुत सारा फायदा है। ये कुछ कुछ मतलब इसको मतलब यूज करने से ना पूरा माइंड एकदम रिफ्रेश होता है। और वो पूरा मैंगो जूस टाइप का लगता है। ये प्योर मैंगो है, पूरा हर्बल है, इसका कोई नुकसान नहीं है, सारा बेनिफिट्स है। और थैंक यू, इतना मैं बोलना चाहूंगी ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर के बारे में। अब मैं बता रही हूँ बालपोष के बारे में। बालपोष जो है वो एज टोल्ड ये एक चॉकलेट ड्रिंक है। पहले जो यूज हुआ करता था वो था चंदन, हल्दी और बादाम, इस टाइप का यूज किया जाता था। कि केसर, ये सब ना यूज किया जाता था दूध के साथ, क्योंकि उस टाइम ऐसे कोई चॉकलेट ड्रिंक आया भी नहीं था। ठीक है, तो उसमें मतलब उसमें मतलब बहुत सारा अच्छा तो था, लेकिन कोई कोई जैसे कि हल्दी उसमें थोड़ा टेस्ट ही नहीं लगता था, बच्चों उसको पीने से दूर करते थे। तब आया ब्रांड हॉर्लिक्स का, हॉर्लिक्स बॉर्नविटा कॉम्प्लान। ये 3 प्रोडक्ट जो है ये मतलब बच्चों को अच्छा तो लगता है क्योंकि ये मीठा होता है, लेकिन असल में जो मीठा होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन हमारे जो बालपोष है वो 2 in 1 है, वही मीठा भी होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। सो दिस इज व्हाट आई लाइक टू ड्रिंक एज अ चॉकलेट ड्रिंक। तो बालपोष जो है इसके जैसे नॉर्मल यूज किया जाता है, टेक 2-3 टीस्पून एंड एड इट टू ग्लास ऑफ मिल्क हॉट और चिल्ड, दिस इज योर विश। बस यही इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है। अब मैं बता रही हूँ इसका बेनिफिट्स। इससे हमारा जो ब्रेन होता है वो शार्प होता है, और हमारा जो भी जो हाइट है जिसका बहुत कम होता है ना हाइट, वो बहुत लंबा हो जाता है। एक बार मैं बताना चाहूंगी, एक बार मैं जब 4th-3 क्लास में थी, हाँ जब 4th-3 क्लास में थी, तब जाके ना मैं यूज करती थी कॉम्पैन वगैरह। तो मैं ना छोटे में मेरा हाइट तो छोटा ही था, तो मैं क्या करती थी, मैं जब लिखती थी ना बोर्ड में, जब टीचर में बुला के लिखने बोलती थी तो मैं बोर्ड में ठीक से लिख नहीं पाती थी, ऊपर नीचे होते रहता था। तो मेरा उस टाइम में मेरे फ्रेंड्स मेरे को बहुत मजाक उड़ाते थे। तो जब से बालपोष है ना, मैं बोर्ड के एकदम टॉप में भी लिखू ना तो
तो भी एकदम मतलब बहुत अच्छा फीलिंग होता है। और सब लोग मेरे को मुंह मुंह खोल के मतलब बस देखते हैं कि इतना हाइट बढ़ गया और इतना लिख भी ले रहे हैं। सब लोग मेरे को बहुत सारे नाम से बुलाता है, जैसे खम्बी लंबी ऐसे करके बहुत सारे नाम से बुलाता है। और यही चीज है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज मच दैट आई नो फ्रॉम बालपोश एंड थैंक यू। बहुत ही वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। स्मृति नाम है ना आपका ऐसे तो? स्मृति है। Okay, बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे रेगुलर यूजर के रूप में हमारे बीच में मयंक जी का क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या बताने वाले हैं हमें, उनको सुनते हैं। हाँ जी प्लीज कैरी ऑन। मतलब सबको मेरा नमस्कार, हमें मयंक कुमार सत्यपति। आज हम मतलब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बोलना चाहते हैं। दो प्रोडक्ट्स, थोड़ा सा कैमरे के सामने, थोड़ा कैमरे के सामने आ जाइए आप भी थोड़ा कैमरे के सामने आ जाइए। हाँ यस ओके। एक है ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर जो मेरे को बहुत फायदा हुआ है, जो हम भी बोलने वाले हैं, और एक है बालपोश। सबसे पहले हम बोलने जा रहे हैं ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर। इस पहले मेरे को ना मैथ मतलब अच्छा नहीं लगता था, मतलब बनाने में मन तो नहीं लगता था क्योंकि मेरा होता ही नहीं था वाला मैथ, है ना। बट जब से यूज किया मेरे को टेस्टी भी लगता है, इसलिए और रेगुलर यूज करने का मन करता है, इसलिए रेगुलर यूज करते हैं। इसलिए मेरा मैथ है ना अब हम बना भी पाते हैं और सब मेरे सही भी होता है। मम्मी भी एक दिन मेरे को दी थी, मैं सही भी हो रहा था। मतलब जो ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर है ये हमारे लिए मतलब बहुत मतलब अच्छा है। इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई गंदा चीज भी नहीं है इसमें। ये हर्बल का है और हमारा जो प्रोडक्ट है आपको पता ही है बहुत अच्छा मतलब आता है। वे हम बताने जा रहे हैं ये बात पूछ के बारे में। जैसे आपको पता है यहाँ लिखा भी आप देख लीजिए, देख भी है। हाँ थोड़ा सा कैमरे के सामने करिए आप। हाँ दिख रहा है यस। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2-3 स्पून दूध में लगा के। हाँ दिख रहा है, वही हम लोग को मतलब बहुत टेस्टी लगता है। जब हम लोग जब घोलते हैं चम्मच से, मम्मी जब देती है हम लोग और मांगते हैं, और मांगने का क्यों नहीं मांगे, इतना टेस्टी लगा। और मतलब चॉकलेट ही होता है ना, इसलिए हम लोग को चॉकलेट पसंद है। इसलिए अभी हम लोग क्या क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या गंदा गंदा केसर वो सब गंदा गंदा चीज हम लोग भुला के खाते हैं, जो हम लोग को एकदम अच्छे है। एकदम पहले दूध पीने का ही मन नहीं करता था, क्या सूखा बस दूध लाओ गर्म करो और दे दो, ये कोई पीने का मन नहीं करता था, है ना। तब भी अभी जब बालपोश आया था अभी हम और मांगते हैं, पहले मन नहीं करता था। जब अब बोलो जब हम लोग को पीने का मन करता है तब नहीं मिलता है, और जब पीने का मन नहीं करता है तब मिलता है। और ये वाला जो मतलब आपको जो बताया बात बालपोश के बारे में, ये चॉकलेट ड्रिंक है मतलब। और पीने का आपको भी जब पीने का मतलब हम लोग को जब पीने का मन करता है ना, हम लोग पूरा दौड़ के आते हैं कि मेरे को अभी जल्दी दीजिए। रात को भी हम लोग दौड़ के आते हैं, मम्मी को बोलते हैं। तो मतलब ये चॉकलेट ड्रिंक हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद होता है। वैसे भी इसमें कोई केमिकल्स और मिनरल्स वो सब नहीं है, इसमें सब मतलब शुद्ध है, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार। यहाँ पर आपको हम ये एक ऐसे टाइप का नहीं है जैसे एक बार दूध में मिला लिए फिर हो गया और एक बार सूखा खा लेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब दूध में मिला के इसको खाना चाहिए। और ये जो मतलब ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर है, ये अगर आप पीते हैं तो मतलब इतना टेस्टी लगता है कि और पीने का मन करता है, फिर पिया नहीं जाता क्योंकि ये सिरप है। वैसे ही अगर आप पीते हैं तो ब्रेन मतलब बहुत ज्यादा बूस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा फील होता है। और ये वाला जब पीते हैं तो मेरे को और पीने का मन करता है, और अगर और पीते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। पर वो अगर आप पीते हैं ये वाला आप पीते हैं तो फिर आपका जो ब्रेन है बहुत बहुत बूस्ट होता है, और आपको जो जो आसान मतलब डिफिकल्ट लगता है वो आसान हो जाता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। अभी आपकी मम्मी माता जी क्या बोलना चाहती हैं मैम? आप पहले भी बच्चों को कई सारे ड्रिंक्स कुछ यूज करती होंगी, तो अभी इसके क्या रिजल्ट हैं? आप ये यूज कर रही हैं बाल पोस्ट ब्रेन एंड बूस्टर बच्चों में, तो क्या दिख रहा है आपको, क्या फर्क लग रहा है? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कहना चाहूंगी रीसू पहले दूध नहीं पीता था, इसको दूध से एलर्जी भी थी। जब उसको एलर्जी इसको ठीक हो गया, जब दूध इसको देने लगती थी तो वो उसको दूध नहीं पीना, दूध के लेके का हंगामा खड़ा होता था। पर बालपोश जो है उसको देने के बाद वो घोलता, जब हम बालपोश डालते हैं ग्लास में, मम्मा इसको घोलिए मत, उसको मैं ऐसे ही पी लूंगा, चॉकलेट लाइक चॉकलेट टाइप का मेल्ट करता है उसको बालपोश को, फिर उसको खाने लगता है। और साथ में रिशु का थोड़ा हाइट वेट में थोड़ा बहुत कमी थी,
डॉक्टर भी उनको बोल रहे थे कि मतलब थोड़ा सा उसका डाइट को कंट्रोल में ठीक करने के लिए, मतलब एज के हिसाब से उसका वेट थोड़ा कम थी, पर ये जो ब्रेन बूस्टर हुआ, बाल पोस्ट हुआ, ये रियली में हम लोग पे मोरिंगा बार भी होती थी उस टाइम, वो भी रिसो बहुत खाया है, और ये सब तो हमारे घर में बराबर रहती है, ब्रेन बूस्टर बाल पोस्ट रियली में बहुत वर्क किया है, और साथ में ब्रेन को बहुत रियली में बूस्ट किया है ये एक्चुअली, मतलब छोटे बच्चों को मतलब देने ही चाहिए आप, मतलब अपने बच्चों को प्रोग्रेस, आदमी अपने बच्चों को ट्यूशन वगैरह ये सब, अपना बच्चा खुद ही एडवांस बने, स्मार्ट बने, ये हमारे पास इतने दमदार प्रोडक्ट है, हमको बाहर की जाने की और बाहर वालों के लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा प्रोडक्ट जब हमारे यहाँ पर सेफ शॉप में है तो हमको बाहर वाला की जरूरत ही नहीं है, अच्छा रियली में बहुत वर्क कर रहा है, खास करके मैं दोनों मेरे दोनों बच्चा को देख रही हूँ, मतलब कुछ भी कहीं भी पेश आने से पहले पेरेंट्स वह हिचकते हैं कि पता नहीं बच्चा क्या बोलेंगे, पर मतलब थैंक टू सेफ शॉप अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए और अच्छा गाइडेंस देने के लिए, और खास करके हमारे जो इनके पापा है वो हमेशा हर एक चीज को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, बाहर वाला खाने को अवॉइड करते हैं, ये चीज ये कुछ कुछ चीजें जो है इनको थोड़ा सा वो पसंद नहीं करते, पर हमारे जो ब्रेन बूस्टर है ये इन लोग जूस सोच के खाता है, जो हम लोग का बाहर का कोल्ड ड्रिंक ये सब आता है ये नहीं हम लोग यूज करते हैं, डिसिप्लिन में ये सब में हर एक चीज में हम लोग मतलब अच्छा से ये मेंटेन करते हैं, तो सही में बाल पोस्ट और ब्रेन बूस्टर हमें बहुत ही ज्यादा फायदा हुई, बहुत ज्यादा, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू। और अभी अभी हम लोग जानेंगे एक और हमारे बीच में है, हाँ जी आपको थोड़ी देर बाद हम मौका देते हैं, थोड़ी देर बाद ना अभी कुछ और बच्चों से कुछ जान लेते हैं, पर्सनली बोलो आप हंस के ना पर्स, अच्छा बता दीजिए अगर हंसाने वाली बात है तो बता दीजिए, हम पता है हम भी टीम में ला ला ला, ला रहे हैं किसी को वो प्रोडक्ट्स दे दे कर, एक दिन हम एक दो दोस्त है ऋषभ है ना, हम ना चलिए वो उसके बारे में ना आपसे बाद में बात करेंगे हम, ठीक है अभी हमारे 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 साथ में एक और जो रेगुलर यूजर है बाल पोस्ट के, तो उनसे जानते हैं प्राची, माही जी हमारे बीच में हैं, तो माही जी अपना क्या एक्सपीरियंस है बेटा बताइए, अनम्यूट करेंगे सिम जी, यस सभी को नमस्कार, मेरा नाम साची सतपति है और आज मैं बोलने वाली हूँ बाल पोस्ट के बारे में, ये जो हमारा बाल पोस्ट है ये पूरा चॉकलेट के जैसा लगता है, और जब हम इसे खाते हैं पूरा ये इसका जो टेस्ट होता है पूरा चॉकलेट के जैसा होता है, अगर हम इसे एक बार खाते हैं तो फिर और खाने का मन करता है, खाते हैं या दूध आप कैसे खाते हैं, दूध में भी आप पीते हैं, कैसे करते हैं आप? हम दूध में ही मिला कर पीते हैं। अच्छा मैं क्या पता खा लेते होंगे सीधे ऐसे ही आप, चलिए बहुत बढ़िया, बंगला में पानी खाते हैं मांगुर, अच्छा ओके ओके बंगला में खाते हैं, ठीक ठीक ठीक, प्लीज बताओ बताओ बेटा, और इसे अगर हम दूध में मिला लेते हैं तो फिर ये इसका टेस्ट जो है और भी बढ़ जाता है, तो फिर मैं इसके बारे में इतना ही बोलना चाहूंगी, अब हम बोलेंगे ब्रेन बूस्टर के बारे में, ये जो ब्रेन बूस्टर है ये पूरे मैंगो से बना है, तो फिर अगर इसे हम पियेंगे तो फिर इसका टेस्ट पूरा आम के जैसा होता है, हमें जूस पीना बहुत ही अच्छा लगता है पर पापा हम पीने नहीं देते, तो फिर नोट डाउन इसका जूस का मतलब है सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वगैरह वगैरह, हां बताओ जमीन आसमान का फर्क है मागुर जी, क्योंकि क्या होता है ना पहले हम लोग को भी पता ही था, हम लोग एड के ऊपर सारा कुछ मंगाते थे, सचिन एड कर रहा है मतलब वो सामान लाना है मेरा फेवरेट है, शाहरुख खान एड कर रहा है मतलब मेरे को लाना है, तो इस तरह का कुछ होता था मागुर जी, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते थे कि असल में उसका यूज किया है, हम क्यों ला रहे हैं उस चीज, हम बच्चे का डेवलपमेंट ले ला रहे हैं, तो जब से हमने ब्रेन बूस्टर लगातार यूज करवाया, बाल पोस्ट लगातार यूज किया, बाल पोस्ट के बारे में बोलूंगा बच्चे तो क्या बच्चे का बाप भी इसका फैन है, मैं इसका रेगुलर यूजर हूं, रेगुलर इसको यूज करता हूं,
और बहुत बढ़िया। आज माही का आप देख सकते हैं, स्ट्रेंथ की बात करूं तो माही आज बहुत फुर्ती में रहती है। उसका उसका डांस बोलिए, उसका प्लेइंग नेचर बोलिए, उसका पढ़ने का नेचर बोलिए, शी इज वेरी शार्प और बहुत ही वो समझदार बच्ची हमारी है। तो इसके लिए हमारे मयंक को देखिए, स्मृति को देखिए और जितने बच्चे सेफ शॉप में है, अगर वो यूज करे प्रोडक्ट को और ट्रेनिंग में अपने आप को शामिल करे, मैं बता रहा हूँ स्मार्ट स्टार हो पक्का, उनका नाम स्मार्ट। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। और हमारे बहुत सारे एक्चुअली पैनल हमारा लाइव हो चुका है और मैं कुछ एक दो आज तो रहने, आज तो इसी को चलाइए मांगो जी, इसको हम लोग YouTube नहीं एक्चुअली ना उधर कनेक्ट होना जरूरी है हमारा, पर तब तक कनेक्ट होंगे हम लोग। तो कुछ दो चार बच्चों में रात को नाम मांगता रहा तो हमारे बीच में आर्यन है, वो बोलना चाह रहे हैं। तो आर्यन कहाँ पे है, मैंने को होस्ट बनाया है जितेंद्र जी, उनका नाम मेरे पास आया था, तो वो रेगुलर यूजर हैं बाल पोस्ट के और ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर के। तो अपने आप को अनम्यूट करें। यस ओके, आपको मैं स्पॉटलाइट में ले रहा हूँ। यस आर्यन प्लीज स्टार्ट। नमस्ते नमस्ते, थोड़ा कैमरे के सामने आइए आप, कैमरे के सामने। यस यस हाँ जी प्लीज। ये जो बाल पोस्ट होता है ये पूरा चॉकलेट से बना होता है, शुगर फ्री होता है। नहीं आप ये बताइए आपको पीने के बाद में कैसा लगा और क्या आपको लग रहा है, कैसे पीने में कैसे लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, चॉकलेटी चॉकलेटी। और क्या बताना चाहेंगे? शुगर फ्री होती है। चलिए तो जितेंद्र जी से जानते हैं। तिरंगा मिला होता है जो दिमाग के लिए अच्छा होता है। चलो चलो बहुत बढ़िया। इनका कहना है कि हमारा जो बाल पोष, हमारा जो बाल पोष है उसमें अश्वगंधा है, यष्टि मधु है, अर्जुना है और एक आइटम और थी, मैं भूल रहा हूँ दिमाग नहीं आ रहा, प्राची बताना बेटा, एक और आइटम थी, यष्टि मधु, अश्वगंधा, अर्जुना और बाला, पांच। मैं उसकी पीपीटी ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं पाई। तो उसमें वो सारी चीजें मतलब हमारे लिए इसमें डली हुई हैं, बहुत ही जो हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए, जो एक मतलब यूथ एज में ग्रोथ चाहिए। तो आप जितने भी बच्चे हमारे यूज कर रहे हैं उनकी हाइट में देखें, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। और आज की डेट में सबसे ज्यादा पेरेंट्स को चैलेंज भी कहाँ आता है कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, वो उनको भूख नहीं लगती, और जो जो ब्रेन एंड हेल्थ बूस्ट एंड बाल पोस यूज कर रहे हैं उनको भूख भी लग रही है, उनकी हाइट में ग्रोथ आ रहा है, उनका माइंड में शार्पनेस आ रही है, मतलब एक्टिव हो रहे हैं। शार्पनेस इन द सेंस कि वो एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, तो और बच्चों की अपेक्षा एज कम्पेरेटिव टू अदर चिल्ड्रन। तो बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, आपको क्या लगा बच्चों के अंदर जब इसको आप यूज करना शुरू किए, तो क्या फर्क लगा आपको? जी सर, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, जब से ये बाल पोस वगैरह बच्चे यूज कर रहे हैं, एक फर्क लगा कि आर्यन का हर मतलब मौसम में, ठंडी के मौसम में इसका मतलब ये था सर, क्या बोलते हैं, बच्चे का ठंडा बहुत असर करता था जी, और कहीं ना कहीं इसका तबीयत खराब हो जाता था, लेकिन अभी देखें कि इसका अब बहुत मतलब बीमार नहीं होता है कभी, जब ठंडा असर नहीं मतलब करता। इम्यूनिटी में फर्क पड़ा, इम्यूनिटी पावर बढ़ा है। ओके दैट्स ग्रेट। निमोनिया का शिकायत था सर इसका अपना, बचपन से निमोनिया मतलब हमेशा हर ठंडे में असर करता था जी। तो लेकिन उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ा है इससे, और सबसे बड़ा दूध वगैरह भी पीता नहीं था, नखड़ा मारता था अपना, लेकिन जब से आया है बाल पोस मिला करके आसानी से दूध पी लेता है, और ये तो फिर ऐसे भी मांगते रहता है सर, लेकिन ऐसे मिलता नहीं है जल्दी दूध में मिला करके, ये तो ऐसे भी खाने के आती है, ऐसे मौका देखते चौका मारता है। चलो जी थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर भी यूज करवाते हैं इनको आप? जी देते हैं, लेकिन वो ज्यादा इन पसंद इन लोगों का बाल पोस ही है। उसको ट्राई करें, है ना, कई बार क्या होता है ना ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर में अलग उसकी स्पेशलिटी है, तो उसको भी ट्राई कराएं, बच्चों को यूज कराएं, मैंगो फ्लेवर में बढ़िया लगता है, बस थोड़ा सा आदत डालने की जरूरत होती है, उसके बहुत अलग फायदे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आर्यन बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे, हाँ हाँ, तो उसको एक एक ढक्कन पिलवाते रहें, एक दो ढक्कन। अर्जुन सिंह के नाम से एक मैम है, वो कुछ बोलना चाह रही है, मैम अगर आप बोल सकती हैं तो बोलें।
अनम्यूट करें अपने आप को और वीडियो ऑन करके बात करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अर्जुन सिंह के नाम से हैं पर फोटो प्रोफाइल फोटो मैम के किसी मैम के नाम से लगी है, ममता मैम का। चलिए तो हम आगे मौका देते हैं, भरत भूषण जी बोलना चाह रहे हैं। यस प्लीज भरत भूषण जी बोलो। तुम हेलो अनम्यूट करके बोल लो, हम अर्जुन बोलना चाह रहे हैं। मागुरु जी जय हो सर। जय हो जय हो। गुड मॉर्निंग सर। और सर बालपोष का यूज रेगुलर हमारे घर में होता है गुरुजी, और हमारा बेटा और हमारी बेटी दोनों बालपोष का बहुत बड़ा फैन है। लोग बहुत बच्चों से जानना चाहेंगे, बच्चों से जानना चाहेंगे क्या उनको लगा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। गुड मॉर्निंग सर। सर इसका टेस्ट बहुत चॉकलेटी लगता है। पहले ना मैं कॉम्प्लेन और हॉर्लिक्स पीता था बट उसको मेरे को अच्छा नहीं लगता था, सो मैं दूध भी नहीं पीता था, बट इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि मैं सुबह शाम दोनों टाइम दूध पीता हूँ। और पहले मेरे घर में सब बोलते थे कि मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा, लेकिन अभी मेरा हाइट बहुत ज्यादा बढ़ा है। और ये पहले 4.7 था, अभी 5.2 है। आपका हाइट? और इसका मतलब यस सर 5.2। यस सर। आपकी एज कितनी है? 5.1 5.2 ऐसी है। आपकी एज कितनी है अभी? अभी 12 हो जाएगी जुलाई में। 12 साल में 5.2, वाओ ग्रेट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। तो हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया। असीम जी अगर 12 साल की एज में 5.2 तक है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ब्रेन एंड हेल्थ सबसे थोड़ा एक नाराजगी है, मेरे समय में क्यों नहीं आया, दो दिन में भी बढ़ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप क्या बोलते हैं ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर भी ट्राई करते हैं बेटा? नो नो तो उसको भी पापा को बोले मुझे वो भी दे, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। तो थैंक यू भरत भूषण जी। और हम ताकि चाहे फटाफट ना कुछ एक दो पेरेंट्स को या उनको भी सुन लें फटाफट, क्योंकि ओके उदय प्रताप जी हैंड रेज किए हैं। हाँ जी उदय जी प्लीज। हाँ ओम गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सिंह है, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। तो जब से मैंने बालपोष पीना शुरू किया था तब मेरी हाइट बहुत छोटी थी। अब जब मैं रेगुलर पीने लग गया एक दो महीने से तो मेरी हाइट बहुत बढ़ गई है, पापा के बराबर हो गया हूँ। अभी एज कितनी है आपकी? मेरी है 11। अच्छा 11 में पापा के बराबर हो गया आप, तो बालपोष तो बड़ा फिर जल्द निकाल रहा है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी थैंक यू। और ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर ट्राई करते हैं आप? नहीं ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर पापा आज ऑर्डर कर देंगे। हाँ अभी अच्छा उदय जी तो इसको भी आप इसके फायदे जानिए, ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर के बहुत अच्छे फायदे हैं, तो उसको भी आप ट्राई। मैंगो फ्लेवर में बच्चों का फेवरेट रहता है, ठीक है जी सर। ओके थैंक यू। ओके ममता जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, ममता जी आपका अनम्यूट किया, जल्दी आप मौका लें क्योंकि लेट करेंगे तो फिर बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता ना। ममता मैम अर्जुन ये हटा दीजिए, एयरफोन हटा दीजिए आप। पैनल पर उपस्थित सभी गुरु को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। यस यस सर, पहले क्या था ना कि मेरे बेटे का हेल्थ पहले सही नहीं रहता था, कुछ चैलेंजेस रहता था, मतलब बीच बीच में उसका तबीयत में चैलेंजेस रहता ही था, लेकिन जब से बालपोष पी रहा है तभी से मतलब इसका हेल्थ में भी ग्रोथ हुआ है। और पहले बहुत ज्यादा पतला था, और अभी ये कि जब से हम बालपोष दे रहे हैं तब से इसका हेल्थ बहुत बेटर है। और सर मैं ये ब्रेन बूस्टर भी बेटे को पिला रही हूँ, इससे क्या है ना कि पहले इसका मेमोरी बहुत ज्यादा लॉस था, कुछ भी पढ़ता था तो इसे याद नहीं रहता था, लेकिन आज के डेट में इसका मतलब पढ़ाई में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा बेटे से जानते हैं, बेटा कैसा लगता है आपको बालपोष पीना? बेटे से बात कर रहा हूं। आपका नाम क्या है? जीत। ओके तो बालपोष पीना आपको अच्छा लगता है? बोलो चॉकलेटी लगता है। चॉकलेटी लगता है। चलो बढ़िया, तो रेगुलर पीजिए इसको, ठीक है? एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्दी रहना है और स्ट्रॉन्ग बनना है, बहुत ही शानदार।
चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आज काफी सारे बच्चों का हमारे पर टेस्टिमनी रहा है और क्या बोलते हैं हमारे अपने खुद के बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। आपको मालूम होना चाहिए कि बालपोष शिक्षित तत्वा अर्जुन आ गया। ओके अर्जुन जी को सुनते हैं तो फिर उसके बाद हम सेशन संपन्न करेंगे। ओके अर्जुन जी, यस प्लीज। गुड मॉर्निंग बेटा अर्जुन, बताओ। आप ईयरफोन में ये रहने दें, इसके बगैर ही बोलने तो बढ़िया है। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं अर्जुन कुमार सिंह आज बोलूंगा ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर के बारे में। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर बहुत अच्छा है। मीठ का तो पहला तो पीने से बहुत माइंड साफ होता है और दूसरा उससे मतलब हेल्थ स्वस्थ रहता है। और हेल्थ स्वस्थ रहता है जैसे कभी बीमार पड़ जाते हैं ना, बीमार तो बिल्कुल पड़ने नहीं देते। जैसे एक दो जिसका खत्म हो जाता है, टाइम लगता आने में, तब भी हेल्थ स्वस्थ रखता है। और अब मैं बोलना चाहूंगा बालपुष के बारे में। बालपुष बहुत अच्छा है। बालपुष पीने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। जैसे एक बार हम बीमार पड़ गए थे, मम्मी घोल के दी ना, तो उसके 10-15 मिनट बाद मेरा तबीयत ठीक हो गया। तो हम बोले कि मम्मी देखो मैं तबीयत ठीक हो गया। मम्मी बोलती देखा ब्रेन एंड बालपुष का कमाल। तो हम बोले हाँ, उसके 10-15 मिनट बाद जस्ट मेरा बालपुष मैं तबीयत ठीक हो गया। अभी आपकी एज कितनी है? अभी मेरी एज है 9 मार्च में भी सर 10 हो जाए। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी आपको बालपोष और ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर पीने से अपनी स्ट्रेंथ में क्या फर्क लगा? दौड़ने में, भागने में, थकान में, स्ट्रेंथ में कुछ फर्क लगा? ताकत बॉडी की बहुत सर। जैसे मैं कभी भी स्कूल में थक जाता था, रेस में मेरा ग्राउंड बड़ा होता था, दोस्त लोग तो चल जाता था, पार कर देता था मुझको, लेकिन मैं आधे में बोल देता था नहीं यार हम थक गए छोड़ दो तुम लोग जाओ। तो उसके जैसे धीरे धीरे पहली बार में पिए तो कुछ नहीं फर्क पता चला, धीरे धीरे जब होते गया फायदा तब मेरे को पता चला अब तो हम पूरा ग्राउंड कम्प्लीट कर देते अच्छे से, अब मेरे को थकान भी नहीं होता जब दौड़ते। तो चलिए बहुत ही बढ़िया शानदार। और सर मैं जब 2 में था तो हॉर्लिक्स पीता था, हम बोले मम्मी मैं हाइट नहीं भरता हॉर्लिक्स जब भी पीते, मम्मी बोलते रुको भरेगा हाइट पेशेंट रखो। तो हम रखते थे कुछ नहीं बोलते थे, फिर हमेशा पीते थे रेगुलरली, एक दिन बस इतने। और जब से बालपुष आया ना तो हम बोले कि चलो एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हाइट बढ़ता है कि नहीं। और सच में कि सर अभी बहुत हाइट बढ़े, पूरे 5 क्लास के बच्चे लगते हैं। अच्छा कौन सी क्लास में अभी आप? अभी सर 5 में। ओके तो बढ़िया है। थैंक यू बेटा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों ये हमारे अपने थैंक यू सर। ओके अभी ये बोलने के लिए तो बहुत सारे हैं बट हमें सेशन में जाना है अगर, तो चलो एक एक लाइन में कंप्लीट करें बच्चों को। तो ज्योति रंजन साहू जी का बेटा हैंड रेज कर रहा है, तो बोले हाँ जी ज्योति रंजन जी प्लीज एक लाइन। हाँ जय बोलो। हाँ जी और बूस्टर पीने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत दूध पीता हूँ। ओके okay. अच्छा लगता है पीना अच्छा लगता है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो रेगुलर पीना, अपने आप से अभी पापा से पूछ ले कितनी डोज मुझे लेनी है, उसको आप रेगुलर पीते रहें ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनेंगे एकदम बढ़िया। ओके बेटा इतना भोला वाला लग रहा ना है, नहीं है हिंदी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, उड़िया में इसको बोलने मौका देना तो 2 घंटा छोड़ेगा नहीं है। चलो बढ़िया है, उड़िया में सुनेंगे इनको बाद में। ब्रेन बूस्टर भी साथ में ले रहे हैं, बालपोष और ब्रेन बूस्टर। उड़िया में बोले, उड़िया में बोलता है तो उड़िया में बोले कोई बात नहीं, उड़िया कंफर्टेबल है तो उड़िया में बताए कैसा लगता है। अरे शर्मा रहा है, ठीक है तैयार हो जाएगा। ओके
अलका मधुकर मैम की बेटी बोलना चाह रही हैं, तो प्लीज मैम अनम्यूट करें। का मौका मिला, मुझे बाल पोस पीने से बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत एनर्जी भी मिलता है और हाइट भी बढ़ा है। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी आप? मैं अभी क्लास फोर्थ में जाने वाली हूँ। वेरी गुड, चलिए बढ़िया है। तो रेगुलर पिए और ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर पीते हैं आप? यस, इससे मुझे मेरा दिमाग भी तेज होता है। बहुत ही बढ़िया, तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बधाई हो, रेगुलर पीते रहें बेटा, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं फिर मम्मी के थ्रू, ठीक है। मैम आपको क्या डिफरेंस लगा लगा मैम, तो आप जैसे पहले बच्चों को हम कुछ ना कुछ पहले भी पिलाते हैं, फिर बाल पोस्ट मिला, ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर हमें जब से मिला तो हमने बच्चों को देना शुरू किया, क्या डिफरेंस लगा? सभी को नमस्कार, और काफी डिफरेंट फायदा हुआ है सर इससे। बच्चे डेली, पहले दूध नहीं पिया करते थे बच्चे लोग, और जब से बाल पोस्ट पी रहे हैं तब से डेली दूध पी रहे हैं, और काफी बॉडी में भी ग्रोथ हुआ है, और पहले थक भी जाया करती थी, और हेल्थ भी काफी अच्छा हुआ है। इससे भी काफी फायदा मिला है, बच्चे लोग स्ट्रांग हुए हैं, काफी एक्टिविटी हुए हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट हमारे बीच में है, अभी लास्ट हम रुईदास सरदार जी और बीके यादव जी, इनको मौका दे सकते हैं, तो एक एक लाइन में कंप्लीट करें। ओके रुईदास सरदार जी प्लीज। जी प्लीज। माघुर जी की जय हो सर। जय हो, गुड मॉर्निंग प्लीज सर। बड़ा लड़का कुछ बोलना चाह रहा है सर। हाँ जी जी, मोस्ट वेलकम प्लीज। सभी को नमस्कार, और पहले मैं दूध के साथ चीनी पीता था और हॉर्लिक्स और कॉम्प्लेन मम्मी को अच्छा नहीं लगता था, उसके बाद पापा इलाज मंगवाने लगे तो मुझे सीधा डिब्बा सीधा कर दो बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, बालपोस बहुत अच्छा लगता था, और बार बार मांगने से बार बार मांगते रहते थे, कभी हम नहीं बोलते थे और बार बार मांगते, और तीन चम्मच से ज्यादा चम्मच डाल देते थे, और कभी खाने मन करता था सूखा सूखा खा लेते थे। अच्छा, सूखा खा लेते थे, चलिए जी। और ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर भी पीते हैं आप? पहले पीते थे, अभी पापा नहीं मंगवाए हैं, मंगवा देंगे। तो पापा को बोलो मंगवा के दो बोलना, ठीक है। नहीं, डोज रखना बेटा, जितना डोज है ना उतना ही पीना है उसको, ठीक है। वो मतलब ऐसा नहीं करना कि बोतल लगा लिया और पूरा कंप्लीट, उसका जो डोज बना हो उसी हिसाब से पीना, ठीक है। ओके थैंक यू बेटा। ओके जी, और बीके यादव जी, बीके यादव जी नमस्कार। सही पैनलिस्ट और पार्टिसिपेंट्स का नमस्कार सर। नमस्कार यादव जी। हाँ जी, कौन बेटा बोलेगा? अच्छा, पेस्ट और टूथपेस्ट का सर, और फेस वॉश के बारे में बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा है सर। अभी तो आज बालपोस के बारे में था, आज बालपोस का चल रहा है, बालपोस भी पिलाते हैं इसको। अच्छा, बालपोस वाले, बालपोस अभी नहीं, इसके सर टूथपेस्ट के बारे में बोलना चाहते हैं और फेस वॉश के बारे में, जो की बहुत अच्छा लगा सर, जो काफी दांत में चमक भी आया और जो बदबू था वो भी दूर हो गया सर, तो उसके लिए सब परिवार में यूज करता है, बच्चा भी यूज करता है। तो चलो उसके बारे में ना, जब इसका स्पेशल सेशन अलग से होगा तो उसमें हम इसको फिर यूज करेंगे। वेल डन बेटा, बच्चे को बाल पोस्ट वगैरह इतने सारे बच्चों को दे रहे हैं बाल पोस्ट पेरेंट्स, तो क्या करना चाहिए बीके यादव जी, हमें भी बच्चे को देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हाँ जी बेटा बोलिए।